आइए अब एक पीएसवी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इनको होमोजीनियस और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स में कैटेगराइज कीजिए। अब आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर जो हमारा पहला सब्सटेंस था वो था शुगर और वाटर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है और जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका कंपोजिशन और वहां पर पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है। इसीलिए वाटर और शुगर का जो मिक्सचर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकेंड एग्जाम्पल है एयर। तो स्टूडेंट्स, एयर को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे एयर के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना। तो क्लास, क्या आप जानते हैं कि एयर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। थर्ड एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ पल्सेस। इसको तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है होमोजेनिटी नहीं है, यानी कि एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है और हम आसानी से डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देख सकते हैं। तो इसीलिए मिक्सचर ऑफ पल्सेस एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है।